हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बी एड एंट्रेंस एग्जाम के सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट की चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के यहाँ शेयर कीजिए चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है वीडियो का आँख का रंग आँख का रंग किस में मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है कॉर्निया तो तो इसलिए आपने देखा होगा कि किसी की आंखों का रंग भूरा काला और नीला होता है तो ये आयरिस पर डिपेंड करता है कि, कि किसकी आंखों का रंग कैसा होगा और ये भी कहा जाता है कि ये जेनेटिक भी होता है ठीक है नेक्स्ट है अंधेरे में देखने की आंख की क्षमता एक वैगनी वर्णक के उत्पादन के कारण होती है जिसका नाम है तो फ्रेंड्स इसका नाम की बात करें तो ये कहलाता है रेटिनिन ठीक है जिसके कारण हमारे अंधेरे में देखने की आंख की क्षमता जो होती है एक वैगनी वर्णक के उत्पादन के कारण होती है इसको रेटिनिन बोला जाता है नेक्स्ट आते हैं अब इसमें से हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है तो फ्रेंड्स भूसी रहित अनाज और दालें अधिक पोषक होती हैं क्या ये सही है नहीं ये सही नहीं है नेक्स्ट है अः साबुत अनाज और दालें अधिक पोषक होती हैं यस ये करेक्ट है फिर भी एक बार नीचे और चेक कर लेते हैं संसाधित अन्न उत्पादों में पोषक तत्व अधिक होते हैं ऐसा तो नहीं है ये तो गलत है नाश्ते के अन्न में पोषक तत्व अधिक होते हैं ये किसने कह दिया कि नाश्ते के अन्न में अधिक होते हैं ये भी गलत है तो ऑप्शन भी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी भूख है तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो बी हमारा भूख प्राणी कहलाता है इसलिए ऑप्शन राइट आंसर है नेक्स्ट आते हैं आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि क्योंकि सभी रंग मिलकर नीला रंग बनाते हैं क्या ये कारण है नहीं ये कारण नहीं है श्वेत रंग में नीला घटक प्रबल होता है क्या यह कारण है ऐसा भी नहीं है वायुमंडल में अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग की अधिक प्रकीर्ण होती करता है या करेक्ट है? यह वस्तुता नीला है नहीं ये भी नहीं है ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है नेक्स्ट है संचार उपग्रहों में पृथ्वी के स्टेशन से सिग्नल ग्रहण करके विभिन्न दिशाओं में भेजने वाला यंत्र हमारा क्या कहलाता है तो फ्रेंड्स ये कहलाता है ट्रांसपोंडर तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है नेक्स्ट बात करते हैं जब कोई जहाज नदी में समुद्र में प्रवेश करता है तो किस तरह से वहां पे चेंजेस आते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें जब कोई जहाज समुद्र में प्रवेश करता है वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है वह थोड़ा सा चला जाता है उसी स्तर पर रहता है वह जिस द्रव्य में बना हो उसी आधार पर ऊपर उठता है या नीचे होता है नहीं ऐसा नहीं है जब कोई भी जहाज समुद्र के अंदर प्रवेश करता है तो वो ऊपर उठ जाता है थोड़ा सा तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट आते हैं असमान द्रव्यमान वाले दो पत्थर समान वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंके गए हैं निम्नलिखित में से क्या घटित किया गया है तो फ्रेंड्स यहां पर बात करें तो भारी द्रव्यमान अधिक ऊंचाई तक जाएगा ऐसा नहीं है हल्का द्रव्यमान अधिक ऊंचाई तक जाएगा ऐसा भी नहीं है उसमें जो दोनों की ऊंचाई होगी वो बराबर तक जाएंगे ये बिल्कुल करेक्ट है उनमें से कोई भी अधिक ऊंचा तक जा सकता है नहीं ऐसा नहीं है दोनों बराबर ऊंचाई तक जाएंगे ये करेक्ट आंसर है इसलिए ऑप्शन सी हाँ पे हमारा राइट आंसर होगा नेक्स्ट आते हैं प्राकृतिक रबड़ को मजबूत और अधिक उछाल वाला बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है तो हमें पदार्थ बताना है उसके अंदर क्या मिलाते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जब प्राकृतिक रबड़ के अंदर सल्फर मिला दिया जाता है तो वो और अधिक उछाल मारता है ठीक है मजबूत और और अधिक उछाल बनाने के लिए सल्फर मिलाया जाता है नेक्स्ट है विद्युत उपलब्ध कराने वाला कहेगा सेकंड संयंत्र क्या है तो ये है फ्रेंड्स अगर इसकी बात करें तो ये परमाणु शक्ति रिएक्टर है तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है नेक्स्ट है ऊष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन क्या कहलाता है तो फ्रेंड्स ये कहलाता है एस्कॉर्विक अम्ल ऑप्शन भी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है नेक्स्ट है स्विथ फॉस्फोरस को सदा रखा जाता है बेंजीन में केरोसिन में ईथर में या फिर जल में तो फ्रेंड्स राइट आंसर है डी जल में नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है पन्ना नाल घोष बांसुरी गुरु गोपी कृष्ण कथक निखिल बनर्जी संतूर या फिर नंदलाल बोस चित्रकला तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात करें तो निखिल बैनजी संतूर यह सही युगम नहीं है तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है नेक्स्ट आते हैं इब्राहिम अलकाजी किस क्षेत्र की मानी जानी मानी हस्ती है इब्राहिम अलकाजी की बात करें तो ये फ्रेंड्स जो हमें ऑप्शंस दे रखे इनमें से कोई भी नहीं है तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी मैक्सिको में स्थित है कोलिया पुरासे सुम सेमेरू या फिर इटना तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर कोलिया जो कि में स्थित है इसके बारे में बहुत पूछा जाता है तो आपको फ्रेंड्स इसे याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र के जल को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है आसमान द्वारा वॉशपन द्वारा फिल्ट्रेशन द्वारा या फिर प्रभाजी आसवन द्वारा ये क्वेश्चन में अगेन दो से तीन बार पहले आपको करा चुकी हूं तो आपको पता होगा तो आप इसका आंसर दे सकते हैं ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है तो ए है विधि ठीक है नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी शीतल महासागर धारा है इम्बोल्ट धारा ब्राजील धारा ओयाशियो धारा या फिर केनारी धारा तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए इम्बोल्ट धारा शीतल महासागर धारा कहलाती है नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था निर्यात संवर्धन में संबंधित नहीं है व्यापार विकास करन, धातु व्यापार निगम सहकारी विपणन समितियां या फिर भारतीय राज्य व्यापार निगम तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका सहकारी विपणन समितियां जो है वो हमारी निर्यात संवर्धन संस्थाएं नहीं है नेक्स्ट है अब यहाँ पर हमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा समूह केंद्रीय कर सक संबंधित है तो फ्रेंड्स केंद्रीय संबंधित बात करें सख्त यहाँ फ्रेंड्स कुछ नहीं है आप इसको हटा दीजिए प्रिंट मिस प्रिंट है आप ये देखिए समूह केंद्रीय कर से संबंधित है ठीक है तो यहाँ पर फ्रेंड्स बात करें तो समूह केंद्रीय से रिलेटेड यहाँ पर ऑप्शन बी आएगा क्योंकि उत्पाद शुल्क सीमा शुल्क और आय शुल्क ये सारी समूह से एक समूह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ठीक है जबकि बिक्री कर अलग हो गया इसमें कर अलग हो गया और इसके अंदर सीमा मनोरंजन ये अलग हो गया आयकर ठीक है तो यहाँ पे उत्पाद सीमा शुल्क और आयकर ये एक ही से संबंधित है तो यहाँ पे ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट आते हैं पुस्तक टू एंड हंगर टु ए, टु ए हंगर फ्री वर्ल्ड के लेखक कौन है तो फ्रेंड्स इसके जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो की है एम एस स्वामीनाथन एम एस स्वामीनाथन अगेन फेमस है आपको ये बताना है कि किस लिए फेमस है एम एस स्वामीनाथन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ आपको याद होगा ठीक है विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ किस वर्ष शुरू किया गया था तो फ्रेंड्स इसकी बात करें डब्लू टी ओ की जिसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है तो इसका शुरुआती वर्ष की बात करें तो ये था 1995 में ठीक है तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है नेक्स्ट है किसने कहा था देशभक्ति धर्म है और धर्म भारत के लिए व्यापार है राज नारायण बोस ने बाल गंगाधर तिलक ने स्वामी विवेकानंद या फिर आचार्य विनोबा भावे ने तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ये आचार्य विनोबा भावे ने कि हमारा धर्म है और धर्म भारत के लिए एक व्यापार है ठीक है नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वैक्सीन नहीं है तो इन सारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो प्रोजेस्टेरोन वैक्सीन नहीं है जबकि बीसीजी एंटी रेबीज और पोलियो ये सारी वैक्सीन है ठीक है नेक्स्ट है और ये हमारी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है फ्रेंड्स दूरस्थ स्थानों पर विद्युत चुंबकीय तरंगे भेजने वाला पहला वैज्ञानिक कौन था जेम्स क्लर्क मैक्सवेल हाइनरिच हर्ट्स थॉमस एल्वा एडिसन या फिर जॉन लोगी बियर्ड तो फ्रेंड्स की राइट आंसर की बात करें तो ए राइट आंसर है जेम्स क्लर्क मैक्सवेल फ्रेंड्स आपको ये भी बताना है कॉमेंट सेक्शन में कि हाइनरिच हर्ट्स थॉमस एल्वा एडिसन और जॉन लोगी बियर्ड ये किससे संबंधित हैं ठीक है क्योंकि आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए इन्वेंशन से रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चन और सबसे ज्यादा जो इन्वेंशन पूछा जाता है वो ये ये पूछा जाता है कि है कि रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था क्वेश्चन बहुत आता है। इसके साथ ही साथ वैक्सीन्स के नाम पूछ ले जाते हैं इनकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है जो भी मैंने आपको ऊपर वैक्सीन बताई है और इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन और कॉमन है और पॉलिटिक्स से रिलेटेड सामान्य ज्ञान में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं तो आप उनको भी रिविजन करिएगा आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए कोई भी क्वेरी हो आप मुझे मेरी सोशल मीडिया पे फॉलो करके वहां भी पूछ सकते हैं अपने क्वेरी को तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियो के साथ टेक केयर बाय बाय